चलिए गाइस, पहले हम लोग ये केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? और वो बहुत इजी है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा, सीधे सीधे मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है? सो चलिए सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। मैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है जिसके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है? और आप सबको पता है बेंजीन रिंग क्यों फेमस है, क्योंकि इसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? उसके ऊपर आपने क्या लगा रखा है, सी एच ओ, तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पर एडिशन नहीं हो सकता, इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पर जो इनके पास हाइड्रोजन्स हैं, सबके पास हाइड्रोजन होता है, सबको पता है एक एक हाइड्रोजन है हर कार्बन के पास, इसको छोड़ के, क्योंकि इसके पास जो हाइड्रोजन था वो सी एच ओ से रिप्लेस हो गया है। तो इनमें से सबके पास, ये देखिए ये ऑर्थो पोजिशन कहलाती है, ये तो पता है ना, दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस इज मेटा पोजिशन, एंड दिस वन इज पैरा पोजिशन, ठीक है? सो यहाँ पर ध्यान से इसको चेक करेगा, यहाँ पर आके कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्सिट्यूट होगा, लेकिन आपको फोकस करना होता है कि आपने लगा क्या रखा है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इस केस में जो मेटा पोजिशंस होती हैं, मैं यहाँ सर्किल कर रहा हूँ, जो मेटा पोजिशंस होती हैं वो एक्टिव होती हैं। ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो जहाँ पर ये जो बड़े सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखता हूँ, याद करो एक रिएक्शन नाइट्रेशन वाली, HNO3 प्लस H2SO4, बहुत बार करा चुका हूँ, दोनों के कॉम्बिनेशन से नाइट्रोनियम आयन बनेगा NO2+, ये होगा आपका इस बार का इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन जो है बेसिकली वो ज़्यादा एक्टिव होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। और इसको मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस को चेक करो। तो यहाँ पर मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड्स बनेंगे, मतलब अगर पूछे कोई यहाँ पर कि क्या कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पर चेक करेगा ये CHO, तो आपको एज इट इज लगाना है, मेटा पोजीशन पर NO2 जाके जुड़ जाएगा, मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड हो गए, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनेगा। इसका नाम मैं इस तरफ लिख देता हूँ ना, दिस इज मेटा नाइट्रो, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ये लीजिए मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड बनेगा। अब इस केस में आप बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, केमिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है? वो एग्जांपल मैं आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी आप खुद से करके देखिएगा। जैसे कि आपको क्लोरीनेशन करवा लो, ठीक है, FeCl2 की प्रेजेंस में, तो क्लोरीन जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे, याद है सब लोगों को। फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन कराओ, मैं यहां लिख देता हूं, आप खुद से करोगे, ठीक है, फ्रिडलक्राफ्ट, ठीक है, सेम रिएक्शन है जो बेंजीन पे होती थी, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये सारी की सारी रिएक्शन जो है बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। और ये सारी रिएक्शंस करवा चुका हूँ, इन द केस ऑफ हैलोजन हमने वहाँ पे भी की थी, अल्कोहल वाले चैप्टर में भी की थी, और यहाँ पे भी कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है, मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड बनेंगे। फिनोल के केस में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव बनते थे, तो वो सारी केमिकल रिएक्शन वहाँ पे भी कर सकते हो। तो तीन लिखी है मैंने, खुद से करो इसको, कौन सा, एक तो क्लोरीनेशन करा रहे हो, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नाइट्रेशन मैं आपको करा चुका हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है? तो ये हमारे केमिकल रिएक्शंस पूरे हो गए। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम पे हमने एल्डोल का एक क्वेश्चन आपको दिया था, उसको डायरेक्टली कैसे सोल्व करना है, जरा ध्यान से उसको देखो, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको सवाल क्या दिया था कि आपके पास ये कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड तो ऐसा है जिसके पास है ही नहीं, क्या, अल्फा हाइड्रोजन, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हैं। ये देखिए एसेटोफिनोन दिया था हमने आपको, ये देखिए, और आपसे पूछा कि यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए दो कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो दो बनेंगे, ये खुद से बनाएगा और ये इसके साथ बनाएगा। तो बहुत आसान है, जरा चेक करो इसको कैसे करोगे, जब ये खुद से बनाएगा तो सिर्फ इसी यूनिट पे फोकस करो, सिर्फ इस पे और किसी पे नहीं। तो जब इसी पे, चलो मैं आंसर नीचे लिखता हूं, देखिए कैसे निकालना है, मैं तो सीधे लिख दूंगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से देखो भाई, इसी यूनिट से निकालना है तो इसकी दो यूनिट ले लो, ठीक है, ये लो, यहां पर आपका खेल खत्म है, ध्यान से उसको चेक करिएगा, बहुत आसान है। इसका पहला यूनिट लिख दिया आपने, अब देखो फोकस करो अल्फा हाइड्रोजन पे, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन पे फोकस कर रहे, दो है दिखाई दे रहा है, और एक आपको ऑक्सीजन पे फोकस करना है, ये लो दूसरी की ऑक्सीजन पे, इसको एज इट इज यहां लिख दिया, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, ये लो बेंजीन रिंग,
और इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 गाइस, नाउ दिस इज CH3, CH2 यहां पर मैं लिख देता हूं CH2 और यहां पर H, तो ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्लियर होता है, यहां पर CH3 है सॉरी, ठीक है। सो यहां पर CH2 और एक H है और यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं CH3, यही है ना। इसके तो हमको हाइड्रोजन पे फोकस करना है, इसके ऑक्सीजन पे फोकस करना है, उसको हटा दो बात खत्म। तो यहां पर पहला वाला कंपाउंड बन जाएगा, ये हटाना है बस, और उसको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है ही क्या उसके अंदर, तो क्या बनेगा सबको जोड़ो। सो फाइनली ये हो गया, बहुत आसान है, पानी तो बाहर निकालना है और करना क्या है, क्लियर हो गया सब लोगों को। ये एज इट इज बना दी, यहां पर क्या बचेगा सी एच, क्लियर हो गया सब लोगों को। और ये यूनिट उसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी, तो कुछ है ही नहीं यहां पर, कार्बन उसके बाद यहां पर सी एच थ्री, और यहां पर बन गया आपके पास ये लीजिए बन गया। तो ये आपका पास मेन कंपाउंड नहीं होगा, ये तो आपने सेल्फ एल्डोल से बनाया है, क्लियर हो गया। सो ये सेल्फ एल्डोल से बना हुआ है, ध्यान से जरा चेक करो, ये तो बना है सेल्फ एल्डोल से। अब क्रॉस एल्डोल से बनेगा, मतलब ये हाइड्रोजन देगा और ये ऑक्सीजन देगा, तो करना क्या है, यहां से दो हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से ये ऑक्सीजन निकाल दो और उनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो देखो क्या बनेगा, जरा चेक करो, इस यूनिट में हाइड्रोजन दिए इसने, ये लो। अब इससे आसान क्या हो सकता है, ये सी डबल बॉन्ड, उसके बाद सी एच डबल बॉन्ड सी। अब जरा चेक करो, ये सारी यूनिट लिख दी, सिर्फ दो हाइड्रोजन हटा दिए, उसके बाद ये कार्बन लिख दिया, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब इसके साथ और क्या है, एक हाइड्रोजन और एक बेंजीन रिंग है, तो लिख दो उसको, ये लो एच और यहां पर पीछे बेंजीन रिंग। अब इससे आसान नहीं हो सकता है बच्चों, ये दो प्रोडक्ट बने सेल्फ एल्डोल से, वो क्रॉस एल्डोल से, और क्रॉस वाला इस केस में मेजर होता है, क्रॉस एल्डोल। अब इससे आसान क्या हो सकता है, फोकस ऑन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहे, एंड फोकस ऑन कार्बोनिल ऑक्सीजन, या ये रहा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हटाओ, दोनों को जोड़ दो, आपके पास मेजर प्रोडक्ट होएगा, ठीक है। क्रॉस के अंदर क्रॉस वाला मेजर होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, क्लियर हो गया, जबकि ये माइनर है। तो इस तरह से आपको आंसर्स निकालने हैं। तो एक एल्डोल का क्वेश्चन हो गया, ये पिछला सवाल जो मैंने आपको दिया था। एक कैनिजारो का भी करा देता हूं, जो कि मिक्सर वाला क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब कैनिजारो के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, पीछे दो क्वेश्चन लिखे, अगर आपने ये कर लिए तो आपकी आसानी से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर पहला सवाल, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड, ये आपको दिया भी था, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और हीट लगा हुआ है, कैनिजारो रिएक्शन होगी, एक बार इसका ऑक्सीडेशन, एक बार इसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा, सही है। तो ध्यान से जरा चेक करो, ये बेंजल्डिहाइड किस पे कन्वर्ट होना चाहिए, बेंजोइक एसिड में, लेकिन उसका सोल्ट बनाना है, तो सी डबल ओ और यहाँ पर Na लिखा है, तो यहाँ पर माइनस और Na प्लस, ये लीजिए सोडियम बेंजोएट बनेगा, क्लियर हो गया, सोल्ट बन गया। और प्लस साथ में आपको क्या बनाना है, इसी का रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन के केस में ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे दो, कार्बन को भी एक हाइड्रोजन दे दो, तो यहां पर सिंपल, ये लीजिए। तो अब इससे आसान क्या होएगा, बहुत सिंपल है, आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो यहां पर बनेगा CH2OH, ये लीजिए। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, यहां पर फाइनली दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये है आपके पास सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट ये तो सोल्ट हो गया आपके पास। अब आपसे सवाल ये है, सब लोग बताओ इसका आयुपैक नेम क्या है, चलो ठीक है, आयुपैक नेम अभी इसका क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे लाइव में, देखते हैं कितने लोग जानते हैं इसका आयुपैक नेम, लिखो फटाफट से, नीचे आ जाओ। अब ये सवाल दिया मिक्सर वाला, इस बार आपके पास कैनिजारो में दो सॉल्यूशन डले हुए, एक तो हमारे पास क्या है बेंजल्डिहाइड, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। अब आपसे पूछा कि यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड KOH और हीट है तो क्या बनेगा, इस बार मिक्सर वाला क्वेश्चन है। तो देखो मैं इसमें सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आपके घर पे कोई बहुत मोटा दिखता है तो उसको क्या बोलते हो, भाई थोड़ा वजन कम कर, यानी रिड्यूस कर। कोई पतला सा दिखता है तो उसको क्या बोलते हो, भाई थोड़ा मोटापा बढ़ा, बहुत पतला है, खाता पीता है कि नहीं, ये बोलते हो ना, बस ये यहाँ ये भी करना है। बताइए इन दोनों में मोटा कौन है पतला कौन, ये मोटा ये पतला, इस मोटे को क्या बोलोगे, इस मोटे को बोलोगे भाई रिड्यूस हो जा, इस पतले को क्या बोलोगे, इस पतले को बोलोगे भाई वजन बढ़ा। तो इसका होने वाला है ऑक्सीडेशन, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका होगा ऑक्सीडेशन, छोटी यूनिट का होगा ऑक्सीडेशन, उसको बढ़ने को बोलोगे आप, क्लियर हो गया। इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, ये देखो एच, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ, बस अब इस एच की जगह आपको क्या लगाना है, ओ माइनस, और आपने के ओ एच लिया है तो के प्लस, ये देखो ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट बन गया, क्लियर होता है सब लोगों को। सो दिस इज पोटेशियम, पोटेशियम फॉर्मेट बन गया, सॉल्ट बन गया,
ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बन गया, तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, मोटापा बढ़ गया उसका। इसको रिड्यूस कराओ, इसको रिड्यूस कराने से क्या होगा, वो तो ऊपर ही लिखा है, तो इसको रिड्यूस कराओगे तो ऊपर लिखा हुआ है जिसका नाम मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो सब लोग बताओ इसका नाम क्या है, सबने लिख दिया क्या? चेक करता हूँ भाई, टीममेट को बोलता हूँ भाई चेक करो इसने नाम सबने सही लिखा है क्या। तो फाइनली गाइस हमारे पास इस तरह से इनको सोल्व करना है, ये रिडक्शन हो गया है। तो बड़ी यूनिट का आपको रिडक्शन कराना है और छोटी यूनिट का ऑक्सीडेशन, सिंपल। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बच्चों, ध्यान से उसको चेक कर लो। इस तरह से आपको कैनिजारो के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सबको क्लियर है? सो गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो फाइनली गाइस हमने एल्डिहाइड और कीटोन के केस में सारी केमिकल रिएक्शन निपटा डाली, हमने प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली है। आई होप आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे। अब हम चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है? सो बहुत ध्यान से इसको चेक करिएगा। सो चलिए गाइस अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन गाइस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करो, क्योंकि उसमें आपका होमवर्क भी गिवन होता है और बाकी इन्फॉर्मेशन भी होती है। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट करके जाओ, और प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।